सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज डिस्कस करेंगे DLC के बारे में, जिसे डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, जो DLC है, मतलब कि डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट है, ये भी वाइट ब्लड सेल का ही कंपोनेंट है, जिसके अंदर 5 तरह के अलग अलग सेल होते हैं। और ये भी फाइटर सेल हैं, मतलब कि ये जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है, तब ये एक्टिव होते हैं और उनसे लड़ते हैं, मतलब कि एक तरह के फाइटर सेल हैं, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को भी गाइस दूसरी वीडियोज़ की तरह मैं आपको सीधा लाइव करके दिखाता हूँ, और आपको मैं बताता हूं कि आपने DLC को कैसे देखना है और इनके कम ज्यादा होने पर ये शरीर में क्या इंडिकेट करता है। चलिए सीधा रिपोर्ट को देखते हैं। तो गाइज, यहां पर एक रिपोर्ट है CBC की, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर गाइज आपको 5 सेल मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। ओके गाइज, यहां पर आप इनकी जो वैल्यूज़ है पेशेंट की, वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इनकी नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिलती है। और दूसरी वीडियोस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने नॉर्मल वैल्यू को देखना है, तो न्यूट्रोफिल्स की यहाँ पर 69.7 आपको वैल्यू मिल रही है जो पेशेंट की आई है, और यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू कितनी है गाइज, 40 से 75 के बीच में। लिम्फोसाइट की भी ऐसी है, 24.3 से 20 से 48 के बीच। ऐसे ही इओसिनोफिल्स, मोनोसाइड और बेसोफिल्स की देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पर गाइस, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल होते हैं। अगर आपको रिसेंटली किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ होगा, तो गाइस जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं दूसरे या तीसरे दिन में ही, ये एकदम से ही एक्टिव होंगे अगर कोई भी फॉरेन मटीरियल आपके शरीर में आता है, या फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। जो लिम्फोसाइट है गाइज, ये थोड़ा सा लेट एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आप ये इंडिकेट करते हैं कि जो आपको इन्फेक्शन है वो 7 से 8-10 दिन पुराना है, अगर ये इनकी वैल्यू बढ़ती है। तीसरा है गाइज इओसिनोफिल्स, जो कि खास तौर पर एलर्जी को इंडिकेट करता है, या फिर आपके शरीर में अगर वर्म्स हैं, कीड़े हैं जो पेट में अक्सर होते हैं, अगर ये बड़ी हुई होती है ना इओसिनोफिल्स, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी हुई है। अब वो चाहे धूल मिट्टी से एलर्जी हुई हो, या फिर आपको किसी दूसरी तरह की एलर्जी हो, जैसे अस्थमा, या फिर राइनाइटस, या फिर आपको जो एब्डोमन वॉर्म्स हो जाते हैं, अगर वो भी आपके शरीर में होंगे तो ये बढ़ जाते हैं। मोनोसाइट और बेसोफिल्स का इतना काम नहीं होता, तो आपको जो मतलब है वो 3 सेल से ही होता है, जो DLC में अक्सर देखने को मिलती है, और डॉक्टर इन्हीं 3 सेल्स को देखता है DLC में, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। मोनोसाइट और बेसोफिल्स का गाइज इतना काम नहीं होता, डॉक्टर इन पर ध्यान नहीं देते। ओके, तो गाइज आज की वीडियो थी DLC के बारे में, और हर चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको डाउटफुल रखती हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।